सर क्या आपके यहाँ ईएमआई पे मिल जाएगा मशीन? बिल्कुल हम लोग ईएमआई पे दे सकते हैं। का इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आ रहा है तो उसको 5000 का 5000 रुपए का छूट कर करके देगी। अगर कोई इंस्टेंट मशीन लेता है तो उसको एक साल के लिए पूरा फिल्टर फ्री रहेगा। दोस्तों नमस्कार, कमेरा इंडिया में आपका स्वागत है। ये हमारे पंकज सर हैं जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं। हम लोग वीडियो एक बना रहे हैं जिसको टॉप अर्निंग टिप्स वाले चैनल पे डालने के लिए, क्योंकि सर का घर दूर होता है इसलिए वो आ नहीं पाएंगे, तो हम लोग वीडियो शूट करके उनको भेज देंगे, वो अपने चैनल पे डालेंगे। अब पंकज जी जो भी होता है ये सारी जानकारी टेलीफोन से लेके मैनेजमेंट का काम करने का काम ये करते हैं। हमारी ऑफिस दूसरी है, पंकज जी हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं यहाँ पे बैठने का काम करते हैं, यहाँ पे बैठने का काम करते हैं। अगर कोई भाई फोन करता है और उसके फोन का रिस्पांस हम नहीं दे पाते हैं टाइम से, तुरंत नहीं दे पाते हैं, अभी हम ऑफ टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं, जस्ट रात होने वाली है, तो हमारे एम्प्लॉय जो भी थे दो जने यहाँ पे बैठते हैं, देखिए दो मोबाइल यहाँ पे, ये एक मोबाइल, दूसरा ये मोबाइल, और ये अपना कॉपी जो लेजर होता है छोड़ के गए हैं लोग। यहाँ भी दो लोग बैठते हैं आपके फोन का रिस्पॉन्स देने के लिए, जवाब देने के लिए। अगर फोन नहीं उठता है तो आप इनको व्हाट्सअप कर देंगे तो मॉर्निंग में आकर के जवाब देते हैं। एक टाइमिंग होता है फोन का 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक कॉल करेंगे तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे जवाब दिया करें और व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई मिल जाएगा। बकायदा प्रॉपर मॉनिटर हमारे पंकज जी एम्प्लॉयियों को और खुद काम करते हैं, मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता हूं। अब मैं आरोप पे आ जाता हूं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विस। जो भी हमारे भाई इस बिजनेस को करें वो अपनी पानी बेचने का जो सर्विस होता है उस पे बकायदा ध्यान लगा करके करें, वो बिजनेस 100% सफल होगा। ये बिजनेस ऐसा है, पानी का बिजनेस ऐसा है कि दुनिया में सारे लोग पीते हैं पानी, चाहे पशु हो पक्षी हो कोई भी जीव हो पानी पीने का काम करता है। एक आरओ प्लांट में क्या क्या चीज सामान लगता है इस चीज को हम बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लगता है, मिस्त्री लगता है, दो पीस टैंक लगता है, जार लगता है, थर्मस लगता है, ढक्कन लगता है, फिल्टर लगता है, जीएसटी लगता है, इसके अलावा पावर बोर्ड लगता है, स्टेपलाइजर लगता है। अगर इससे अधिक काम करने हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने हैं, डीएम प्लांट लगा करके इन्वर्टर की पानी बनाने हैं, पाउच की पानी बनाने हैं, 1 लीटर की बॉटलिंग की प्लांट तैयार करने हैं, तो उस सारी चीज का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग प्राइस होती है। तो फिलहाल में हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इस उद्देश्य से कि जो जार की 20 लीटर की पानी होती है, जैसे आप देखें यहाँ पे हम लोग खुद ये पानी लेते हैं, थोड़ा रात हो गया आप आकर के बढ़िया से दिखा दीजिए, दिखाई दे दे ये वाला पानी, हम लोग जो मार्केट में डोर टू डोर पानी बिकने का जो काम होता है ये प्लांट का काम होता है। ये जो प्लांट पानी बनाएगा ये 20 लीटर का जार डोर टू डोर डोमेस्टिक सर्विस का काम करने वाला होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अभी तक इसका कोई लाइसेंस नहीं होता है। हर राज्य में राज्य स्वास्थ्य संस्थान से पानी की जांच करवा करके और इसको बेचा जाता है। आगे अगर लाइसेंस बनने का प्रकरण चालू होगा, गवर्नमेंट करेगी, कोई स्टेट करता है तो उसको फॉलो अप वो लोग ले लेंगे। फिलहाल में जीएसटी के अलावा, जीएसटी भी अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो आपका टर्नओवर बढ़िया नहीं होगा तो आप बैंक से लोन या काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए जीएसटी का जीएसटी पे लेके ही अपना काम बैंक से जुड़ करके करेंगे तो बढ़िया टर्नओवर होगा और बढ़िया पैसा कमाएंगे, बढ़िया नाम होगा। पंकज सर आपको कुछ अगर पूछना है इसमें जो हमारे दर्शक को व्यूअर को देख करके और समझ आए जिसे क्लियरिटी हो जाए वो पूछे। एक्चुअली हमारे पास जो कॉल आता है उसमें ज्यादातर लोग बोलते हैं सर क्या आपके यहाँ ईएमआई पे मिल जाएगा मशीन, तो क्या ईएमआई पे दे सकते हैं हम लोग? जी ईएमआई पे हम लोग पीछे 2 वर्षों में बहुत सारे मशीन हम लोगों ने दिया हुआ है। बिहार का कोई ऐसा जगह नहीं होगा शायद कि जहाँ पे हम लोगों ने सर्विस नहीं दिया है। बिल्कुल हम लोग ईएमआई पे दे सकते हैं, लेकिन ईएमआई पे देने का टर्म एंड कंडीशन होता है। यूट्यूब पे
हम उसका रेट प्राइस नहीं बता पाएंगे। जिनको भी ईएमआई पे चाहिए वो डायरेक्ट कंपनी के बहुत सारे नंबर डिस्प्ले पे शो करते हैं, डिस्क्रिप्शन में शो करते हैं, उन पे फोन करें, हमारे टेक्निकल टीम जो होती है उनसे या सर्विसेज टीम होती है उनसे, कॉलिंग टीम होती है उनसे, खुद आपसे, हमसे, सारे लोगों से, किसी से भी अगर बातचीत होती है तो उनसे बात करके वो लोग असिस्ट हो जाएं, पूरा संतोष कर लें, उसके बाद आगे का प्रकरण चालू करें। लेकिन सर जो भी आपके पास फोन आते हैं उन सारे लोगों से कहिए कि सर आप हमारे पास आइए, हमारी कंपनी में देख लीजिए माल उपलब्ध रहता है कि नहीं रहता है, उसके बाद पैसा दें, देखें सामान को, क्योंकि यहाँ पर लोग आएंगे तो उनको आप बढ़िया से समझाएंगे कि इस सामान और इस सामान में ये अंतर है, इसलिए प्राइस में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। तो जो भी लोग हैं उनको मैक्सिमम आप यहाँ पे विजिट कराने का प्रयास करें। जो भी विजिट करेगा अगर वीडियो का, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आ रहा है तो उसको 5000 का, चाहे शुरू में चाहे लास्ट में, कंपनी के ऊपर ये पावर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, कंडीशन कंपनी बनाएगी बताएगी कि कब उसको 5000 रुपए का छूट कर करके देगी। अगर कोई इंस्टेंट मशीन लेता है तो उसको 1 साल के लिए पूरा फिल्टर फ्री रहेगा। सर कितने परसेंट डाउन पेमेंट पे हम मशीन दे सकते हैं? सर ये बहुत अच्छा चीज आपने पूछा, कभी कभी हम 20% लेके भी दे देंगे, कभी कभी 50% लेंगे, और कभी हम 0% लेके भी दे देंगे। उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म एंड कंडीशन लगता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर सर्विसेज मैन है, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई है, अगर उस तरह का कोई चीज देते हैं तो हम उनके पर कुछ और विचार करेंगे। कोई मान लीजिए ऐसे लोग होते हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनके ऊपर टर्म एंड कंडीशन दूसरा कुछ लगता है। कोई 100% कोई चीज मॉर्गेज अगर करते हैं हमारे पास तो 100% हम मान लीजिए उसको दे देंगे, क्या बोलते हैं, बिना डाउन पेमेंट पे मशीन दे देंगे। तो ये उस पर निर्भर करता है। और सर अपना ब्रांच एक पटना में, वहां भी चीज लागू होगी हमारा ईएमआई वाला सिस्टम? पटना में डिपेंड करता है, लागू किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पटना में करें, लखनऊ में करें, या कुशीनगर में करें, हर जगह से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कस्टमर को जो बात कर रहे हैं, कस्टमर हमारे प्रति कितना खरा उतर रहा है। हमारी कंपनी जब तक संतोष नहीं कर पाएगी उससे बात करके, तब तक हम न यहां से देंगे न वहां से देंगे। एक बैंकिंग सेक्टर में एक नाम होता है सिविल, जो सिविल चेक करते हैं कि कैसे ये काम, ये आदमी का टर्नओवर कैसा है, कैसा इसका क्रेडिट है, लेन देन करने का तरीका कैसा है। तो जो भी लोग हैं, जो कहें, चाहे जो कहीं से भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से भी दे सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उससे बात करके हम कितना संतुष्ट हो जा रहे हैं, हमारे विवेक पे, यानी आपके विवेक के, कंपनी के विवेक के ऊपर, दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि हम कस्टमर को दे कि न दे। ठीक है सर। सर हमारे पास मशीन पाउच पैकिंग है, आरो प्लांट है, एसी चीलर है, बहुत भी सारे जो प्रोडक्ट है, क्या सब ईएमआई पे मिलेगा या ओनली आपका आरो प्लांट मिलेगा? नहीं नहीं, हम केवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया, याद दिला दिया, बहुत बढ़िया किए हैं। एक आरो प्लांट में लगाने के लिए, ऐसा पीवीसी पाइप लगता है, नल लगता है, बोर लगता है, जार लगता है, ढक्कन लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस आरो प्लांट की बात कर रहे हैं। ईएमआई पे हम आरो प्लांट देंगे, उसको जार, ढक्कन, पाइप, थर्मस, चीलर, कूलर, ये सारी चीजें नहीं है। बाहर की जो भी चीजें होंगी, बाहर की बोलिए तो, अगर हम ही उसको पानी ठंडा करने वाले दे रहे हैं, टैंक दे रहे हैं, पीवीसी पाइप दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करके कैश में लेना होगा। उस पैसे को चाहे अकाउंट में लीजिए, चाहे कैश लीजिए, उस पैसे को ईएमआई पे देंगे हम। ओनली आरो प्लांट, ओनली आरो प्लांट जी, बाकी का चीज कैश में ही होना। हाँ, बाकी का चीजें कैश में होंगी। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर आप सर्विस कितने महीने का दोगे, कितने साल का दोगे, आप सर्विस कैसे दोगे आप? अच्छा, सर्विस एक्चुअल में 12 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए। ठीक है, इन 1 सालों में कस्टमर से हमारी किस तरह से बात हो रही है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सर्विस देते हैं। सर्विस का मतलब A to Z हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमको जाके करना चाहिए। लेकिन दूर दराज होने के वजह से, आपको मैंने पहले बता चुका हूं और लोगों को ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन सर्विस देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ कुशीनगर में बैठे हुए हैं जी, और आप मुंगेर में मशीन बेच दिया, बिहार मुंगेर में जी, या झारखंड में बेच दिया, झारखंड में, जबकि मैं याद दिलाना चाहूंगा
झारखंड में देवघर, छतरा, गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, साहेबगंज, रांची, जमशेदपुर और बिहार में भी ऐसे ही सारे जिलों में लगभग में हम लोगों ने बहुत सारी मशीनें दी हुई है ट्रस्ट करके। अगर कोई कस्टमर दूर दराज से आता है हम उसको किराया भाड़ा फ्री कर देंगे, छूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आकर के संतोष करके मशीन लेके जाए। अब सर्विस पे आ जाते हैं तो अगर मान के चलिए कि ये पीवीसी की पाइप है, पीवीसी की पाइप एक लेंथ 300-400 रुपए की मार्केट में मिल जाती है, ठीक है, 300-400 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। तो ये पाइप अगर बाय द वे हाई प्रेशर में चलता है, जब ये एक मशीनरी है तो चलता है, तो चलते चलते 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल या कभी कभी तत्काल नए में ही तोड़ देती है, तो तोड़ देती है। तो अब कस्टमर हमको अगर 500 किलोमीटर दूर बुलाता है पाइप जोड़ने के लिए तो ये तो 24 घंटा 48 घंटा 36 घंटा का समय लग जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। ऑनलाइन हमारा टेक्निकल जो टीम है, मिस्त्री जो होते हैं लोग ऑनलाइन, वो ऑनलाइन वीडियो कॉल करके या तो बता देते हैं, जो ओनर होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो आरओ खरीदते हैं वो जोर जाड़ करके बना देते हैं, नहीं तो नजदीकी में अपने प्लम्बर मिस्त्री को बुला करके करवा लें, जो 100-250 जो भी खर्चे होते हैं कंपनी गूगल पे आप ही करते हैं, गूगल पे आप तो जानते ही इस बात को। दूसरी चीज ये है कि संजोग से आपने यहाँ पे कार्बन रखा है, कार्बन की बोरी रखी हुई है, ये कार्बन है, एक बोरी ये मीडिया है। तो कार्बन और मीडिया, एक में कार्बन पड़ता है, एक में मीडिया पड़ता है, एक साल के बाद से सर्विस का काम ये होता है, यानी मान के चलिए कि 1-1.5 साल में ये वो होता है। तो 1-1.5 साल में अगर पूरे मशीन की सर्विस की जाए तो मेम्ब्रेन को छोड़ करके आराम से मान के चलिए कि 5-7 हजार रुपए में ये क्लियर हो जाएगा, सर्विस फाइनल हो जाएगा। यानी एक साल में ओनली 5,000-7,000 सर्विसिंग चार्ज लगेगा एक साल में। अब इतना सस्ता हमको लग रहा है कि किसी बिजनेस में नहीं है। ठीक है सर, एक्चुअली बहुत सारे लोग का कॉल आता है हमारे पास, तो बोलते हैं कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ करके काम कर सीख करके मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या कुछ है यहाँ पे? बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समय समय पे याद दिला रहे हैं। अगर कोई इस काम को जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आगे पीछे जो सामानें दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही अगर कोई अपनी दुकानदारी करना चाहता है जी, तो वो आए टेलीफोन पे हमसे पहले कंसल्टेंसी ले, वो जब हमसे संतुष्ट हो जाए तो आए यहाँ पे, आएगा टेलीफोन पे बात कर ले, रेट और प्राइस जांच ले, हम उससे एक नॉमिनल फीस लेंगे क्योंकि हम उसको रोजगार दे रहे हैं, आरओ प्लांट जो लगवाएगा बिजनेस करेगा उसको भी रोजगार दे रहे हैं पैसे लेकर के, और जो काम सीख करके इस बिजनेस को दूसरे को हमारे जैसा करेगा उसको भी रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको इनको हमको सारे लोगों को परिवार चलाना है तो एक नॉमिनल फीस लेते हैं, और फीस लोगों करके आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों मार्केट में कितने बच्चों को निकाल दिया, तो एक फीस लेकर के और उन लोगों को काम सिखा करके मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, वो जहां मर्जी हमारे बगल में या जहां मर्जी वहां पे स्वतंत्र होकर के अपनी दुकान रजिस्ट्रेशन करा करके कर सकता है। और सर बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ करके एक डोमेस्टिक आरओ प्लांट का भी बिजनेस करना है हमको, जो पीछे अपना रखा हुआ डोमेस्टिक वाला, तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे क्या करना है? वो टेलीफोन पे लोग करेंगे, श्रीनिवास जी थोड़ा सा दिखा दीजिए पूरा, ये बॉडियां हैं उसी तरह से उसके सारे पार्ट सारे जगहों में पड़ी हुई हैं। तो जो कोई अगर जुड़ करके करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको बिल्कुल गाइड करेंगे, क्योंकि रेट इसलिए नहीं बताया जा सकता है कि ये समय के हिसाब से हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए उस चीज पे हम लोग बात नहीं कर सकते हैं कि ये कई रुपया का पड़ेगा कई रुपया का नहीं पड़ेगा। सिंगल पीस भी ले जाकर के सेल कर सकते हैं अपने यहाँ? हाँ, सिंगल पीस भी लेके जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि सिंगल पीस का प्राइस कुछ और होता है, बल्क का प्राइस कुछ और होता है, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो सर अपना एक ब्रांच जो पटना में, और पटना का एड्रेस भी बता देते हैं। हाँ, पटना में मेरा एक ब्रांच है, मलाई पकड़ी कंकड़बाग, मलाई पकड़ी कंकड़बाग इलेक्ट्रिक हीरो एजेंसी के जस्ट बगल में है, वहां पे काफी मशहूर एरिया है वो, आप लोग जानते हैं। टेलीफोन नंबर पे फोन करेंगे तो वहां का इस ऑफिस से वहां का एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, 7991486691, ये पटना का नंबर है, यहाँ का ऑफिस का नंबर डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में शो करेगा, आप वहां से कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नमस्कार।